समाज का अगर कैंडिडेट खड़ा होता है तो समाज उसके साथ पूरी तरह साथ धन बल सब तरह से रहेगा जी। तो इसलिए समाज पूर्ण समर्थन, समाज तलक नहीं जाता, ये समाज है समाज, चलना रास्ता का और क्यों ना हो, बैठना भाई का जे बैर क्यों ना हो, समाज है समाज, समाज रहेगी। हम कहाँ जाएं, हमारी गिनती नहीं होती, आपके गिनती कराएंगे, आपके दिखाया ना संदीप ने 44,000 वोट लेके लिखे, आपका हम और दिखा देंगे, आपके पता जयपुरी बैठ गए 70 साल से वोट देते आ रहे हैं जी दूसरे समाजों को, उन समाजों ने हमारा आज तक कोई महत्व ही नहीं समझा। पिछली बार की टिकट की या सारी व्यवस्था आपके सामने रही, सारा पदाधिकारी हमारे साथ प्रचार करता रहा, वोट एक नहीं मिला। तो इस तरह की नीति बना रहे हैं उस हिसाब से, तो हमने भी अपने समाज को संगठित कर एकजुट फैसला ले लिया, उदीप राम पोसवाल के साथ रहेंगे जी जान से रहेंगे। कोई काम नहीं आया, गुजर समाज को सब छोड़ के चले गए थे बीजेपी को, तो आज गुजर भी छोड़ के हट गए, गुजर कहाँ जाएंगे, गुजर अपने के साथ तो रहेंगे, अपने के साथ जीत निश्चित है जी। 45 वार्ड है हमारे भवाड़ी में, तो हजार वोट हम कम से कम हर वार्ड से डलवाएंगे और बाकी गुजर के वोट आगे हैं वहाँ तक, फिर अदर कास्ट को भी लेकर चल साथ चलेंगे, थोड़ा ही है जब हम किसी को जिताते आए हैं तो हम भी उनसे कहेंगे हमको जिताओ आपकी बात, जिस पार्टी में गुजर जाते वो जीतता उसी दिन से जी जी, तो आप हम उनसे कहेंगे आपका हमें जिताओ। तो है कि भिवाड़ी में हम पहुंच गए हैं और सर समाज की, गुजर समाज की यहाँ पे मीटिंग हुई है, देख रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पे पहुंचे, सारे गुजर समाज, और लोगों से हम बात करेंगे कि क्या है आज का निर्णय तो चुनाव का, क्योंकि लगातार लंबे समय से लोग कयास लगाए जा रहा थे कि गुजर समाज जाएगा कहाँ और किस रुख जाएगा चुनाव। आप देख रहे हैं अब ऐसा लग रहा है कि एक तरफा चुनाव होने की संभावना है, क्योंकि अभी कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है, और जब कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर होगी तब चुनाव किस मोड़ जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा, मैं आपको दिखा दूँ, मेरे कैमरामैन को बोलूँ दिखाएं, सारे गुजर समाज के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, जिनके साथ समाज खड़ा होता है, जिनकी बात सुनता है वो समाज यहाँ पे, गुजर समाज यहाँ पहुँचे हैं, उनसे हम शुरुआत करेंगे। जी क्या लगता है आज जो मीटिंग हुई है गुजर समाज की, किस तरह से क्या निर्णय लिया गया है कि जब से चुनाव की तारीख राजस्थान में डिक्लेयर हुई है, लोग कि तिजारा विधानसभा से लोग कंफ्यूज थे आखिर होगा क्या, और सबसे ज़्यादा समझ में यह आ रहा था गुजर समाज कहाँ जाएगा, वो आज एक निर्णय लिया गया, किस मोड़ पे गया गुजर समाज। मैं आज इस बात को ये कहना चाहता हूँ, और सबने मिलकर के पूरा गुजर समाज ने उद्यमी का समर्थन कराया और सबने ये कही कि हम उद्यमी को वोट देंगे जी। स्वागत है मेरे को जी, और हमारे साथ अमर भगत जी बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आज का जो समाज ने जो मीटिंग ली है, और आप देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस मीटिंग में, तो सर क्या लगता है क्या रुख है इस बार चुनाव का, और जो लंबे समय से लोग कंफ्यूज थे कि आखिर होगा क्या तिजारा विधानसभा में, क्योंकि बीजेपी ने बाबा बालकनाथ को टिकट दी है, क्योंकि बहुत लंबी फेरिस्त थी टिकट मांगने वालों की, फिर मामन ने विरोध कर दिया, मामन भी ताल ठोक रहा किए निर्दलीय प्रत्याशी पे, जब अब ये लगेगा कि समाज, गुजर समाज पर लोगों की बात टिकी हुई थी वो कहाँ जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। अब गुजर समाज ने जो मीटिंग ली है वो किस ओर जाएगा, क्या रहेगा? देखिए भाई लोगों, आप पूरे विधानसभा में घूम रहे हैं और ये सब लोगों को भलीभांति परिचित है कि आज का चुनाव सामाजिक बेस का चुनाव है, हर समाज अपने प्रत्याशी के लिए एक्टिव है। जब हमारे प्रत्याशी की पिछली बार जो राष्ट्रीय पार्टी से प्रत्याशी रहे संदीप दायमा, उसकी टिकट कटी तो समाज के अंदर रोष था, और उस रोष को देखते हुए ये बच्चा सब जगह घूमा है, उद्यमी भी उसी विंग का मेंबर था, इसने जब देखा जब हमारी टिकट ही कट गई और कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो समाज के लोगों से इसने बात की, और समाज के लोगों ने एकमुश्त निर्णय लिया है तो ये सामाजिक निर्णय है, उम्मीद करते हैं सब लोगों को उस पर खरा उतरना चाहिए। यानी कि पूरे समाज ने निर्णय लिया है कि उद्यमी पोसवाल है उनके साथ, और लगे लोगों ने मनन करना चाहिए और उद्यमी के लिए सफलता हासिल करनी चाहिए, यानी कि पूरा मन बना लिया, सामाजिक निर्णय है, समाज का निर्णय होता है वो बहुत बड़ा निर्णय होता है, और सबको सर्वोपरि है, वो सबको मान्य है, जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, जो सामाजिक परिवेश के लोग हैं, वो इस भाषा को जानते हैं कि जब समाज की बात तय हो जाती है तो उसके ऊपर हमें काम करना है, करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि समाज का जो निर्णय है वो सबसे सर्वपर्व है, लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कितने लोग समाज के लोग यहाँ पे बैठे हैं, और लोग अपनी अपनी राय और अपनी अपनी राय, जो आज जो मीटिंग हुई है 36 बिरादरी की मीटिंग, और समाज तो पूरा इकट्ठा हुआ है, पूरा तिजारा विधानसभा से आप देख रहे हैं कि सारे लोग बैठे हैं, और लोग सरपंच साहब है उनसे हम बात करेंगे, तो लगता
लगता है, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भिवाड़ी में एक माहौल था और तिजारा विधानसभा की बात करें, एक माहौल क्रिएट हो रहा था कि आखिर तिजारा विधानसभा में होगा क्या, समाज किस ओर जाएगा, तो अब आपने जो मीटिंग है ली है गुर्जर समाज ने, किस तरह से वो निर्णय लिया गया है और क्या रहेगा आने वाले दिनों में? आज गुर्जर समाज की बुरेड़ा में मीटिंग हुई दयाराम कैप्टन की अध्यक्षता में। सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि समाज का अगर कैंडिडेट खड़ा होता है तो समाज उसके साथ पूरी तरह साथ धन बल सब तरह से रहेगा। तो इसलिए समाज ने पूरा समर्थन उद्यमी राम जी को दे दिया। तो आप देख रहे हैं कि तिजारा विधानसभा की हम बात करें, एक समीकरण बहुत बड़ा फैक्ट करता है जातिवाद का। जो जातीय समीकरण है वो सबसे बड़ा चुनाव उस ओर जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी की जो टिकट डिक्लेयर होती है तो वो आती है कांग्रेस से, तो समाज उसके साथ लगता है, और बीजेपी की जब टिकट डिक्लेयर होती है वो यादव कम्युनिटी को जाता है। बाकी आप देख रहे हैं कि ऐसे यादव कम्युनिटी की वोट 40 से 50 हज़ार वोट है जैसे लोग कहते हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी की 60-70 हज़ार वोट है, बाकी और जाति कहाँ जाएंगी, उनकी गिनती नहीं है। और आज जिस तरह से गुर्जर समाज ने एक बड़ा पंचायत किया है, पूरा तिजारा विधानसभा से जो लोक समाज आया है इकट्ठा किया है, जो अपनी भागीदारी दिखाई है, जोश दिखाया है कि हाँ हमारी भी कोई गिनती है भी कि नहीं, हम हैं यहाँ पे, तो आज उन्हें आप देखें कि उद्यमी पोसवाल के साथ भारी बहुमत के साथ यहाँ पे लोग खड़े हैं और एक साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि इस बार हमारा है और हम उनके साथ लगेंगे। और भी लोग हैं जी, आप बताइए क्या? हमारे पूरी गुर्जर समाज भेड़ी हुई तिजारा तक जी, और बढ़िया हुई। ये हरियाणा गाइड ना, जो हरियाणा गाइड लेट बोल रहा, अब दर्द है महारे जी। तिजारा में भी हुआ था 10 दिन हड़ताल चली कोर्ट की, महाराज जी एक दिन में आके नहीं बैठा, जो बेचारा वकील की सहायता हुई थी घटना, एक दिन में हमारा जब मंत्री था एमपी था आया नहीं आया। गुर्जर समाज बच्चा बच्चा ढाणी ढाणी, और जो और बेचारे गरीब है उनसे वोट मांगे, जैसे संदीप जिताया था ना बेचारे ये पार्टी ने हाथी जीता, ऐसे हमारे भाई आ रहे हैं छोटे वाले और सब कह रहे भाई आपके गुर्जर तुमको दे रहे हैं वोट और हमको जिता रहे हैं, हम उनका धन्यवाद हाथ जोड़ के उनसे वोट मांगेंगे और गली गली जाएंगे हमको वोट देंगे। क्या लगता है जिस तरह से आप कह रहे हैं रोज प्रकट कर रहे हैं, जैसे पिछली बार संदीप यादव ने मीटिंग की थी, जितने भी बीजेपी के पद अधिकारी उन्हें सब ने इस्तीफा दिया था बीजेपी से, क्या यह भी होने वाला है क्या? दे देंगे, हमारे समाज गल रहेगा, अपने गुर्जर समाज गल रहेगा, बीजेपी पार्टी तो हमने क्या लेना कांग्रेस से? समाज के भी तो बहुत लोग हैं ना बीजेपी में, उन जिसके पद हैं, क्या वो पद इस्तीफा देने वाले हैं? ऐसा है, समाज तलक नहीं जाता, ये समाज है समाज, चलना रास्ता का और क्यों ना हो, बैठना भाई का जब बैर क्यों ना हो, समाज है समाज, समाज रहेगी। हम कहाँ जाए, हमारी गिनती नहीं होती, आपके गिनती कराएंगे, आपके दिखाया ना संदीप ने 44,000 वोट लेके निकले, आपका हम और दिखा देंगे, आपके पता जयपुरी बैठ जाए। अच्छा, तो आप देख रहे हैं समाज में कितना जोश है, ये सबसे बड़ी बात है कि समाज, ये सबसे बड़ी बात है कि समाज जब एक साथ होता है तो किसी की नहीं चलती है, वे होते हैं समाज के साथ सब लोग जुड़ते हैं। और आज जो गुर्जर समाज ने जो हिम्मत यानी कि दिखाया है, उसने दिखा दिया कि हम भी हम हैं, और आज जो बीज एक साथ खड़े हैं समाज, और भी लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। तो आप बताइए प्रधान जी, क्या लगता है किस तरह से रहेगा? परिणाम तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन समाज एकजुट है, नहीं बताज समाज एकजुट है, परिणाम ऊपर वाले के हाथ में, यानी कि समाज बटेगा नहीं, समाज तो कभी बटा ही नहीं है आज तक ही, चुनाव की में कहीं से कोई से में कोई से चुनाव में नहीं बटा, सब चुनाव में सब साथ रहे हैं, सब सारे जितने चुनाव हुए हैं समाज कहीं नहीं बटा है, समाज तो सब अपने साथ है, और कौन नहीं चाहता हमारे समाज का उत्थान हो, हमारे समाज का उत्थान हो, कौन नहीं चाहता, सामाजिक उत्थान सबसे बड़ी चीज़ है, और समाज को समाज का अपने समाज का किसी दूसरे का अहित ना करके और अपना विकास करना कोई बुरी बात नहीं, तो अपना विकास दूसरे का अहित ना करके अपना विकास करना कोई बुरी बात नहीं, बुरी बात नहीं। तो आप देख रहे हैं कि एक प्रथा चालू होगी है हर जगह, चाहे हम गुर्जर समाज की बात करें, अहिरवाल तो लगातार अपनी पंचायत है, दूसरी बार उन्होंने पंचायत की, गुर्जर समाज ने आज पहली बार पंचायत की है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि जो प्रथा चालू हुई, जैसे संदीप यादव ने अपने समाज को इकट्ठा किया, आज ऐसे ही आज उद्यमी पोसवाल ने जो समाज को एक साथ खड़ा किया है, ये सबसे बड़ी बात है। इस आने वाले दिनों में चुनाव बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि जो टिकट संकट में फंसी हुई थी
लोग कंफ्यूज थे कि आखिर तिजारा विधानसभा में क्या होगा। ये लगता है कि जब गुजर समाज 20,000 से समथिंग ऊपर 25,000 वोट है और SC समाज 40 से 45,000 वोट है, 60-70,000 वोट थी, एक साथ पड़ेंगे तो बताइए क्या होगा। ये आने वाला है दिनों में जब रिजल्ट होगा, जब सबसे बड़ा सियाद। जी सर, आप बताओ वास्तव में क्या रहेगा इस बार? ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव बहुत ही अतरंगा होने वाला है, है ना? बिल्कुल होने वाला है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि हम 70 साल से वोट देते आ रहे हैं जी दूसरे समाजों को, उन समाजों ने हमारा आज तक कोई महत्व ही नहीं समझा। पिछली बार की टिकट की या सारी व्यवस्था आपके सामने रही, सारा पदाधिकारी हमारे साथ प्रचार करता रहा, वोट एक नहीं मिला। तो इस तरह की नीति बना रहे हैं, उस हिसाब से तो हमने भी अपने समाज को संगठित कर एकजुट फैसला ले लिया। उद्धव राम पोसवाल के साथ रहेंगे, जी जान से रहेंगे। कोई तो काम नहीं आया जीवन में। सीट मुझे लग रहा है कि तिजारा विधानसभा की सीट कब्जा में कर ली आप लोगों ने। अब वो ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर क्या करेगा उस पर तय रहेगा। परिणाम तो भगवान पर छोड़ रखा है हमने, बाकी अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कमी नहीं छोड़ेंगे। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम कवर कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर क्या रुख रहेगा। जी आप बताइए क्या लगता है? चुनाव जीतेंगे, उद्धव पोसवाल जी को चुनाव जिताएंगे एक बिल्कुल तन मन धन से। किस तरह से तैयारी है चुनाव जिताने की? सब तरह की तैयारी है हमारी, किसी चीज से घाटे ही ना। तो बीजेपी जैसे खड़ी है, बीजेपी के साथ भी काफी लोग लग रहे हैं और गुजर समाज भी कट दिया, जब गुजर समाज को सब छोड़ के चले गए थे बीजेपी को, तो आज गुजर भी छोड़ के हट गए। गुजर कहाँ जाएंगे, गुजर अपने के साथ तो रहेंगे, अपने के साथ रहेंगे जी। आप ये जीत निश्चित है जी, 45 वार्ड है हमारे वहाँ भवाड़ी में, तो हजार वोट हम कम से कम हर वार्ड से डलवाएंगे और बाकी गुजर के वोट आगे हैं वहाँ तक, फिर अदर कास्ट को भी लेकर चल साथ चलेंगे। थोड़ा ही है जब हम किसी को जिताते आए हैं तो हम भी उनसे कहेंगे हमको जिताओ आपकी बात, ये बात है। तो यानी का लंबे समय से आप लोग अदर कम्युनिटी को जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है उसको वोट देते आ रहे हैं, हाँ जिता रहे हैं। जिस पाने में गुजर जाता वो जीतता उसी दिन से जी जी। तो आप हम उनसे कहेंगे आपका हमें जिताओ। तो पिछली बार धोखा हो गया आपका, आपको मिली टिकट वो हार गई, तो आपकी कैसे रहेगी? आपका बिल्कुल फिट रहेगा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बटेगा नहीं, परमात्मा चाहिए। हाँ, आप पटन वाली हालत दिख रही है आपको, साथ है जी, हम पोसवाल जी के साथ है और भारी बहुमत से जीत होगी। गुजर समाज सारे एकजुट है और उसके बाद अदर कास्ट को भी साथ ले रहे, हम हमेशा देते आए हैं। तो पहली बार हमें मौका मिला, उससे पहले मिला था संदीप दायमा जी को टिकट मिली थी, तो वहाँ भी हमारे साथ थोड़ा विश्वासघात हो गया था, ठीक है। तो उसको अब की बार दोहराएंगे नहीं, एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से भाई के साथ इसको विजय बनाएंगे। गाँव का एक हाथ से वोट मिलेगा, जितनी वोट हैं एक खास ऐसे गूठा से पूरा गांव की। अच्छा, किसके डालोगे? इसी के डालेंगे अपना पटेल साहब के, और किसके डालेंगे? डाली हमने खूब काफी दिनों उनसे, आपके ना डाले तो आपके पास कोई बटेंगे नहीं, एक साथ एक साथ। आप बताओ भाई साहब, तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा युवाओं की बहुत तगड़ी भागीदारी होती है चुनाव में, जो चुनाव को एक साथ लेके जाते हैं और जो मेहनत करते हैं, सबसे ज़्यादा भागीदारी युवाओं की होती है। मेरे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे आज की जो मीटिंग को लेकर और आज का जो निर्णय हुआ है और विधानसभा में चुनाव को लेकर उन्होंने क्या प्लानिंग की है। और आप देख रहे हैं कि जो उनका जो उत्साह है लोगों का, मैं कैमरामैन से बोलूँगा दिखाएं कितना उत्साह है लोगों में, जो लगातार आज पूरे दिन मीटिंग चल रही है, लोगों ने कितना उत्साह दिखाया है उसी को लेकर आज हम इस मीटिंग में पहुँचे हैं। मीडिया को अलग रखा, लेकिन शाम का टाइम में जैसे निर्णय हुआ मीडिया को इतला की और मीडिया पहुँची और जाने के लिए। तो क्या रहेगा जिस तरह से चुनाव की हम बात करें, तिजारा विधानसभा की, और आज समाज ने मीटिंग भी ली है, तो क्या प्लानिंग की है आने वाले 2023 चुनाव को लेकर तिजारा? माननीय महोदय जी, जो आज सर्वसहमति से समाज के अंदर जो आज ये निर्णय लिया गया है उद्यमी भाई के लिए, वो सर्वसहमति से लिया गया है और उनको अब जो है ना समाज की तरफ से उम्मीदवार निश्चित कर दिया गया है। तो हमारा लक्ष्य ये है कि जो वोटर हैं उनको हम जो हमारे मताधिकार तक या उनको बूथ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। और ये अब चुनाव जो था ये तो एक पंचायत थी, चुनाव के उम्मीदवार के लिए थी,
समाज की, 36 समाज को लेके, 36 बिरादरियों को साथ लेके, हमारा निर्णय या हमारा मकसद या हमारा उद्देश्य ये है किसी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना, किसी के अगेंस्ट चुनाव नहीं है, ये हमने समाज की ताकत और सभी समाज को साथ लेके चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार के तौर पे उद्यमी भाई के ऊपर जो है ना हमने विश्वास किया है। और हम ये उम्मीद करते हैं सभी जो हमारे बुजुर्ग महानुभाव बहुत अनुभव रखते हैं, बहुत जो भी व्यक्ति बैठा है यहाँ सब स्पेशल है और बहुत वशिष्ठ हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चुनाव में भागीदारी ली है और ये पदाधिकारी भी रहे हैं। तो 36 बिरादरी जो हमारे साथ अदर समाज है उनको लेके और अपने बूथ तक पहुंचाना और अपने साथ लगाना हमारा मकसद यही रहेगा मैन जो है। और उद्यमी भाई को किसी भी तरीके से ज़्यादा मतों की जो संख्या है वो बढ़ा के और विजय तक लेके जाना। ठीक है, थैंक यू सर बात करने के लिए। जय जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। उद्यमी पासवान जिंदाबाद, उद्यमी पासवान जिंदाबाद, उद्यमी पासवान जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद।